हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, BSTC और PTT 2019 का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए जो हमारी सीरीज चल रही है उस सीरीज़ का ये है आज का वीडियो। दोस्तों, राजस्थान GK का एक टॉपिक है अपवाह प्रणाली, यानी जो नदियों और झीलों से संबंधित टॉपिक है वो टॉपिक जिसे अपवाह प्रणाली यानी ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, उसके अंदर जो चंबल नदी है उससे से इम्पोर्टेंट मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ। आपको उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आएगा, तो अभी से कहता हूँ कि वीडियो को अभी से आपने स्टार्ट करते ही वीडियो से को आपको पसंद आ जाए तो वीडियो कर देना लाइक। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप आए हैं हमारे चैनल पर पहली बार तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दें, और पसंद आ जाए वीडियो तो वीडियो कर देना लाइक। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न, राजस्थान की कौन सी दो नदियां बारहमासी, यानी राजस्थान की ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जो बारहमासी यानी 12 महीने बहती रहती है। तो वो नदियां हैं चंबल और माही, यानी ये दोनों नदियां बारहमासी नदियां हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की अधिकांश नदियों का प्रवाह क्षेत्र कहाँ स्थित है, यानी राजस्थान की जो अधिकांश नदियां हैं उनका बहाव जो प्रवाह क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो उत्तर होगा अरावली पर्वत के पूर्व में, जो अरावली पर्वत माला इसके पूर्वी दिशा में ये स्थित है। बहाव की दृष्टि से राजस्थान की नदियों को कितने भागों में बट गए, यानी बहाव की दृष्टि से राजस्थान की नदियों कितने भागों में बट गए, तो तीन। कौन कौन से, बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियाँ, अरब सागर में जाने वाली नदियाँ, और तीसरी है आंतरिक प्रवाह, यानी जो कहीं नहीं जाती, जो उसी क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, चंबल का प्राचीन नाम क्या है, यानी चंबल का प्राचीन नाम है चरमणवती। अगला प्रश्न है, किस नदी को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है चंबल नदी को। चंबल नदी का उद्गम स्थल बताइए, चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश के महू के निकट विंध्याचल पर्वत की जो है उसकी जानापाव पहाड़ियों से होता है। चंबल का बहाव क्षेत्र में सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, राजस्थान में चंबल नदी कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये प्रवेश करती है चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। अगला प्रश्न, राजस्थान के कितने जिलों में चंबल बहती है, तो चंबल बहती है 6 जिलों में, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली व धौलपुर। चंबल की लंबाई कितनी है, तो चंबल नदी की लंबाई है 965/66। राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई कितनी है, तो राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई है 135 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी, तो चंबल की सहायक नदी है बनास, काली सिंध, पार्वती, बामनी, कुराल और मेज। अगला प्रश्न है, चंबल MP के कितने जिलों में बहती है, तो MP के जिलों में बहती है महू, उज्जैन, रतलाम व मंदसौर, 4 जिलों में बहती है। चंबल की MP में लंबाई बताइए, चंबल की MP में लंबाई है 335 किलोमीटर। अगला प्रश्न, चंबल नदी पर कौन सा प्रपात है और कहाँ स्थित है, तो चंबल नदी पर चूलिया जल प्रपात है जो कि भैंस रोड पर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चंबल का संगम स्थल व नदी का बताइए, तो चंबल का संगम स्थल है रामेश्वरम सवाईमाधोपुर, और यहाँ मिलती है बनास तथा शिप, जिसे आप चब सी भी कह सकते हो। चंबल का पाट अधिक गहरा कहाँ है, तो चंबल का पाट अधिक गहरा किस राय पैटर्न के पास चंबल का पाट अधिक गहरा है। चंबल पर बने प्रमुख बांधों के नाम, तो चंबल पर बने गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका प्रदन कौन सी नदी करती है, तो सबसे ज़्यादा अवनालिका प्रदन करती है चंबल। राजस्थान में चंबल घाटी की कंदराओं का कुल क्षेत्रफल, तो राजस्थान में चंबल घाटी कुल कंदराओं का कुल क्षेत्रफल है 2,17,55,000 हेक्टेयर है। सॉरी दोस्तों, चंबल नदी का मिलन स्थल कौन सा, यानी जहाँ पर चंबल नदी मिलन स्थल यानी अंतिम स्थल कौन सा है, तो यह है यूपी के इटावा के मुरादगंज में यमुना में मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थे चंबल से इम्पोर्टेंट संबंधित 20 क्वेश्चंस। आपको कैसा लगा ये वीडियो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक, और कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आपको अपवाह प्रणाली की और वीडियो चाहिए, तो जल्द ही आपको सभी नदियों के और झीलों के भी वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे। हमारी सीरीज चल रही है हिंदी के, शिक्षण अभिक्षमता के, संस्कृत के वीडियोज़ भी हमारे आपको मिलते रहेंगे। तो इसीलिए अगर आपको इन सब से वीडियो चाहिए तो आपको करना है एक ही काम, इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल की घंटी को दबा दीजिए, वीडियो पहुंच जाएगा आपके पास सबसे पहले। धन्यवाद दोस्तों।